बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां कोरिया जिले में वन संपदा तेंदुपत्ता जीविका का बड़ा साधन बना हुआ है। जहां कोरिया जिले में विभिन्न समितियों ने तेंदुपत्ता खरीदी का कार्य 15 मई से शुरू कर दिया है। अचानक मौसम में आए बदलाव के कारण पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष तेंदुपत्ता की खरीदी में कमी आ सकती है। तेंदुपत्ता विक्रेता अनुराधा ने बताया कि पिछले वर्ष 1000 गड्डी पत्ती बेचने में उसे 4000 रुपए मिले थे। इस वर्ष भी उम्मीद है कि पत्ते का विक्रय मुनाफा उठा सकेगा। वहीं विक्रेता विश्वेश्वर ने बताया कि पिछले वर्ष 2000 तेंदुपत्ता गड्डी का विक्रय कर 8000 रुपए का लाभ मिला था और इस वर्ष 2600 गड्डी का विक्रय कर चुका है। रहने वाला हूँ और टेक्निक फर में 2000 मतलब पत्ती ले आता हूँ हर साल, और 8000 का मेरा फायदा होता है। इस साल कितना पत्ती लाने का टारगेट है आपका? मेरा 2600 हो गया है। और हमारे समिति का टारगेट 1600 मानक बोरा है। पिछले साल हमने 1600 मानक बोरा से ज़्यादा संग्रहण किए थे और इस साल मौसम खराब होने की वजह से पत्ते की आवक तो कम है, परंतु हमने 80% पत्ता संग्रहण कर चुका है दिनांक 25/5/23 तक, और आगे भी अभी फट चलाएंगे और संभावना है कि हम टारगेट पूरा करेंगे।